दोस्तों, पोलैंड शब्द की उत्पत्ति पोलिन से हुई है, जिसका अर्थ होता है खुले मैदान में रहने वाले लोगों का देश। दोस्तों, यहाँ के लोगों को पोलिश कहा जाता है। 312,679 किलोमीटर में फैला पोलैंड दुनिया का 59वां और यूरोप का 9वां सबसे बड़ा देश माना जाता है, जो दोस्तों 16 राज्यों में बटा हुआ है, जो हमारे एक राज्य महाराष्ट्र के बराबर है। दोस्तों, पोलैंड की कुल आबादी 3,78,00,000 है, जो दुनिया में एक विशिष्ट पहचान रखती है, जिसका घनत्व 124 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर में रहते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, लेकिन दोस्तों पोलैंड में उल्टा है। यहाँ पर 21 जून को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। इसकी खास बात यह है कि यहाँ के दिन प्रेमी जोड़े अपने प्रेमिका के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और दोस्तों वे खूब मजे करते हैं। दोस्तों, पोलैंड की राजधानी वारसा है, जहाँ दुनिया का सबसे पुराना रेस्टोरेंट स्थित है, जिसकी शुरुआत सन 1275 में हुई थी, जो आज भी कार्यरत है। दोस्तों, जो दुनिया के सबसे पुराने रेस्टोरेंट में गिना जाता है। दोस्तों, पोलैंड में राइट साइड में गाड़ी चलाने का एक अजीब नियम है, और दोस्तों यहाँ पर लेफ्ट साइड में गाड़ी चलाने वाले को जुर्माना भरना पड़ता है। दोस्तों, पोलैंड देश के लोग अमीर होने की वजह से उनके अजीबोगरीब शौक है, जैसे कि शराब पीने के मामले में पोलैंड ने रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों, यहाँ के स्त्री पुरुष सभी लोग शराब पीते हैं, और बिना शराब पिए उनको रात में नींद नहीं आती। दोस्तों, पोलैंड की गणना सुपर ग्रीन देशों में की जाती है, जहाँ पर 23 नेशनल पार्क और 1470 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, जो जानवरों के लिए बनाए गए हैं। और दोस्तों, यहाँ पर जानवरों को शांति से रहने दिया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, पोलैंड में 33% जंगल हैं, जिसके कारण यहाँ पर पोलैंड दुनिया में एक अनोखी पहचान रखता है और लोगों को आकर्षित करने में एक विशिष्ट पहचान रखता है। दोस्तों, पोलैंड को सुपर ग्रीन देशों की सूची में इसीलिए शामिल किया गया है। दोस्तों, आपको झीलें देखना पसंद है तो आप पोलैंड जरूर जाएँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 9,300 से ज़्यादा झीलें हैं, जो दुनिया को पर्यटकों को आकर्षित करने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। और दोस्तों, अपनी सुंदरता और कद के कारण यह काफ़ी बड़ी हैं। शादीशुदा जोड़े हनीमून मनाने के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ आना पसंद करते हैं, और दोस्तों अपने वस्त्र उतारकर यहाँ सूर्य की गर्मी और झीलों के ठंडे पानी का मजा लेते हैं। और दोस्तों, पोलैंड के लोग ज़्यादातर कुत्ता पालना पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों कुत्ते ज़्यादा वफादार होते हैं, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कुत्ते का सर्वाधिक प्रिय नाम बुरेक्स रखा जाता है। दोस्तों, पोलैंड में रहने वाले लोगों को ज़्यादातर ईसाई धर्म का पालन करते हैं। यहाँ की 90% से ज़्यादा आबादी रोमन कैथोलिक है, जो ईसाई धर्म का पालन करती है। दोस्तों, पोलैंड देश की आधिकारिक भाषा पोलिश है, जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। दोस्तों, 40 मिलियन से ज़्यादा लोग पोलिश भाषा का उपयोग करते हैं आम बोलचाल में। दोस्तों, पोलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहाँ के लोगों का नाम के आधार पर बर्थडे मनाया जाता है, और दोस्तों जो लोग अपने नाम को एक विशिष्ट महत्व देते हैं। दोस्तों, पोलैंड में शादी करने के लिए एक अजीब ही नियम है। यहाँ पर स्त्री पुरुष की उम्र में बड़ा ही अंतर पाया गया है, और दोस्तों यहाँ पर पुरुष की उम्र 26 साल और स्त्री की उम्र 24 साल मानी गई है। लेकिन दोस्तों, शारीरिक संबंध बनाने पर कोई भी नियम नहीं है, यहाँ कितनी भी उम्र में शारीरिक संबंध बना सकते हैं। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी अमेजिंग इंटरेस्टिंग जानकारी देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हर्षिल यूनिक चैनल को।